सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से आज की ताज़ा और बड़ी खबरों को लेकर के। दोस्तों आपको बता दूँगा तीन चार बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। दोस्तों खबर क्या है आपको बता दें कि गोरखपुर एयरपोर्ट और वाराणसी एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। और वहीं दोस्तों जेट एयरवेज की एयरलाइन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी एक खबर है जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। तो दोस्तों खबरों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए एक नज़र आज की खबरों पर। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर एयरपोर्ट और वाराणसी एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खबर आ रही है। नहीं मिल रहे हैं यात्री, निरस्त हो रहे विमान, जयपुर और जम्मू की कई उड़ानें रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में वाराणसी से उड़ान भरने वाले विमान सेवाएं भी यात्रियों की मुसीबत बढ़ा रही है। मार्च से अब तक जयपुर और जम्मू के लिए कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। और साथ ही दोस्तों अंतर्राज्यीय उड़ान सेवा के तहत गोरखपुर और वाराणसी के बीच शुरू हुई विमान में भी यात्रियों की संख्या घटने से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें कि विमानन कंपनियों का कहना है कि ऑपरेशनल समस्या के चलते विमान निरस्त हुए हैं। 27 मार्च से शुरू हुई विमान सेवा अप्रैल में 2 बार व मई में अब तक 1 बार निरस्त हो चुकी है। दोस्तों कुल मिलाकर कारण चाहे जो भी हो, मगर विमान सेवा रद्द होने से यात्रियों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि 27 मार्च से जयपुर के लिए स्पाइस जेट की सेवा शुरू होने के बाद से अब तक 4 बार रद्द हो चुकी है। अप्रैल में 3 बार तो वहीं मई में 1 बार विमान को यात्रियों की कमी से निरस्त करना पड़ा था। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू के लिए इंडिगो एयरलाइंस की ओर से शुरू हुई सीधी विमान सेवा को भी यात्री की कमी के कारण ही 2 बार निरस्त करना पड़ा है, क्योंकि वाराणसी से जम्मू जाने के लिए विमान को यात्री तो मिल रहे हैं लेकिन जम्मू से वाराणसी रूट पर यात्री बेहद कम है। इससे जम्मू व वाराणसी सेवा भी प्रभावित हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेवल एजेंसी संचालक प्रदीप कुमार ने बताया कि कई शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हुई है लेकिन यात्रियों की कमी से विमान रद्द हो रहे हैं, इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बहरहाल दोस्तों इस खबर को लेकर अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि जेट एयरवेज की एयरलाइन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जेट एयरवेज को उड़ान भरने से पहले लगा बड़ा झटका, NCLT ने दिया यह आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि जेट एयरवेज के विमान अगले महीने से फिर से उड़ान भरने को तैयारी में है। हालांकि उससे पहले विमान कंपनी को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCLT से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों NCLT ने दोबारा परिचालन शुरू करने की जद्दोजहद में लगी एयरलाइन जेट एयरवेज को मुंबई के मैक स्टार मार्केटिंग परिसर में स्थित अपना कार्यालय खाली करने को कहा है। NCLT की 3 सदस्यीय पीठ ने गत 6 मई को पारित इस आदेश में कहा कि एयरलाइन जिस समय कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है उस समय का कोई भी मासिक शुल्क मैक स्टार मार्केटिंग को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्ज के बोझ तले दबने के बाद जेट एयरवेज को अप्रैल 2019 में अपना परिचालन बंद करना पड़ा था। उसी साल जून में उसके खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। आपको बता दें कि मैक स्टार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि NCLT की मुंबई पीठ के आदेश के खिलाफ अपील की थी। इस अपील में कहा गया था कि NCLT ने परिसर में जेट एयरवेज के बने रहने और दोषपूर्ण ढंग से सही ठहराया था। इस पर NCLT ने जेट एयरवेज को परिसर में मौजूद अपना कार्यालय 15 दिन के भीतर खाली करने को कहा है, लेकिन इसी के साथ कर्ज समाधान अवधि के दौरान मासिक शुल्क की देनदारी से भी राहत दी है। दोस्तों आपको बता दें कि जेट एयरवेज को अप्रैल 2019 में अपना परिचालन बंद करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद मुरारी लाल जालान और कालरक कंसोर्टियम ने जून 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की निगरानी में हुई दिवाला और समाधान प्रक्रिया में जेट एयरवेज की बोली जीती थी। अब लंबे समय के बाद उसे फिर से उड़ान भरने की तैयारी में है, जिसको लेकर कंपनी को सुरक्षा मंजूरी मिल गई है। इसके बाद कंपनी नए मालिक के साथ फिर से विमान सेवाएं शुरू करने जा रही है, यानी कि दोस्तों अगले महीने से यात्री इस एयरलाइंस के विमानों में यात्रा कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि कुशीनगर जिले के DM राजलिंगम कुशीनगर एयरपोर्ट पर PM मोदी की तैयारियों का निरीक्षण करने आए हुए थे। और निरीक्षण के दौरान क्या क्या बातें हुई इस बारे में तो कुछ नहीं पता चल सका था, लेकिन उसी को लेकर खबर आ रही है। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे के लिए प्रशासनिक हलचल तेज। दोस्तों आपको बता दें कि बुद्ध जयंती के अवसर पर 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरेगा। यहां से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी आपसे बताया था। लेकिन दोस्तों संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह कुशीनगर के भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचकर लेटी प्रतिमा का भी दर्शन करेंगे। इसे लेकर प्रशासनिक अमला एयरपोर्ट से लेकर कुशीनगर हेलीपैड तक निरीक्षण किया। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 16 मई को
मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटर का लोकार्पण और एक बौद्ध विहार की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी जाने से पहले उनका विशेष विमान निर्वाण स्थली कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरेगा। हालांकि जिला प्रशासन उनके आगमन की लिखित सूचना से इनकार कर रहा है, लेकिन फिर भी बुधवार की शाम को DM राजलिंगम व SV धवल जायसवाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने यहाँ की टर्मिनल बिल्डिंग, अपरन, ATC, फायर बिल्डिंग के अलावा सुरक्षा के मद्देनजर गहनता से निरीक्षण किया। इसके बाद कुशीनगर में रामाभार स्तूप के बगल में बने हेलीपैड स्तर पर पहुंचे, जिसे ठीक कराने के लिए PWD के XEN हेमराज सिंह को निर्देश दिए। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जिस मार्ग से प्रधानमंत्री पिछले साल 20 अक्टूबर को मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे थे, उस मार्ग व मंदिर का भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस मौके पर SSP रितेश सिंह, SDM वरुण कुमार पांडे, CEO पीयूष कांत राय, संतोष मौर्य, JE आर्यन राव, अभिजीत सिंह, परवेज आलम, SO सुधीर कुमार सिंह आदि मौजूद थे। दोस्तों आपको बता दें कि DM राजलिंगम ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के कुशीनगर एयरपोर्ट पर आने की संभावना है, लेकिन यहां से कहां कहां भ्रमण करेंगे इसकी अभी कोई लिखित सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके संभावित आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की SPG टीम गुरुवार को कुशीनगर आएगी। इस VVIP सुरक्षा टीम को वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश जिलाधिकारी कार्यालय से दिया गया है। आपको बता दें कि जारी आदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को चार चार वाहन SPG टीम के लिए उपलब्ध कराने का आदेश हुआ है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 15 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशीनगर आगमन के संभावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसलिए बुधवार की देर शाम DM राजलिंगम व SP धवल जायसवाल ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री 15 मई यानी कि इसी रविवार को कुशीनगर आ सकते हैं, इसलिए अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के कुशीनगर आने जाने के मार्ग का भी निरीक्षण किया है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि PM मोदी के आगमन को लेकर कुशीनगर प्रशासन पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुट गया है। और साथ ही इसी रविवार को प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुशीनगर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी अभी कोई लिखित सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आने की संभावना को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों बुधवार की देर शाम DM राजलिंगम व SP धवल जायसवाल ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि PM मोदी के आगमन को लेकर हमारे पूर्वांचल के लोग सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, मलेशिया में अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन लोगों को ये उम्मीद जगी है कि शायद PM मोदी के आने के बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों से डायरेक्ट उड़ान का शेड्यूल आ जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि कुशीनगर एयरपोर्ट से अगले महीने यानी कि जून के अंत में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दो और उड़ानें शुरू होने वाली है, जिसमें एक इंटरनेशनल भी होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस खबर को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है। दोस्तों मैंने इस अपडेट के बारे में खुद कुशीनगर एयरपोर्ट पर जाकर वहाँ एयरलाइंस कंपनी में जो लोग काम करते हैं उन लोगों से बातचीत करने पर पता चला है, लेकिन फिर भी जब तक एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PM मोदी के आगमन के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट से कुछ बड़ा और अच्छा अपडेट आने वाला है, जिसका हम सभी को इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं उससे तो यही लगता है। बहरहाल दोस्तों इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है, क्या PM मोदी के आगमन के बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ाने शुरू करने को लेकर अपडेट आ सकता है? इस पर अपनी कीमती राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों इसी प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।